राज्यपाल जी, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव क्या दिल्ली की कुर्सी पर नजर उनकी आई होगी ये गठबंधन सरकार केंद्र में आने के बाद, या भी अभी सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं लेकिन लौटेंगे वो यूपी ही 27 के लिए? देखिए माधव जी, अभी जो सीएसडीएस का जो सर्वे था जिसमें राहुल जी को मोदी के बाद बल्कि मोदी से ज्यादा उनका परसेंटेज दिखाया जा रहा है, तो फिर सवाल इस बात का है कि राहुल जब मोदी से ज्यादा है तो उसमें अखिलेश कहां आते हैं? पहले सोचना चाहिए। और यही बात जो मैं कहने जा रहा हूं, तब एक बात सुन लीजिए, यह गलतफहमी कोई ना पाले कि जो दलित वोट आया है वो समाजवादी की तरफ आया है, बिल्कुल ये गलतफहमी है। वो वोट अगर आया है दो कारणों से, एक जो बीजेपी ने गलतियां की थी 400 पार और उसके बाद जो हुआ कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, यानी आरक्षण खत्म हो जाएगा और 8,500 रुपया महीना, तो जो कांग्रेस का दो कांग्रेस की जो कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी तीन, माइनॉरिटी, दलित और ब्राह्मण, ये मतलब उसका कोर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं, जो 20-25% सबका होता है, समाजवादी पार्टी का भी एक जमाने 20-22 होता था, बीएसपी का भी 20-22 होता था, ये था। उसमें से कर्नाटक के चुनाव में माइनॉरिटी आ गई, जो नरसिंह राव के जमाने से बिल्कुल अलग चली गई थी क्षेत्रीय दलों के पास, उस माइनॉरिटी को लग गया कि अगर बीजेपी का कोई राष्ट्रीय विकल्प हो सकता है, माइनॉरिटी राष्ट्रीय विकल्प देखती तो कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना से लेकर के उत्तर प्रदेश में भी वो कांग्रेस की तरफ लौटी है, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं लौटी है। और ये बात अखिलेश भी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अभी जब 10 सीटें आएंगी उसमें कितनी कांग्रेस लड़ेगी, कितनी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसे पता चल जाएगा। भविष्य की राजनीति मैंने कर्नाटक में पहले ही जिस दिन चुनाव आया था एक चैनल पर मैंने पहली बात कही थी कि ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक खतरनाक घंटी है, माइनॉरिटी लौट रही है कांग्रेस की तरफ, और जहां उसे कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल करके लड़ती दिखाई पड़ेगी, निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। लेकिन अगर माइनॉरिटी लौट रही है तो कांग्रेस की तरफ लौटी है, दलित अगर आ रहा है तो कांग्रेस तरफ आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आ रहा है, ये मत भूल जाइए इस बात को। ओके संजीव जवाब।